बैजनाथ उपमंडल के गांव संसार में गांव के एक युवा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक युवक की पहचान सतीश पुत्र दौलत राम आयु 28 साल के रूप में हुई है। सुबह जैसे ही ग्रामीणों और उसके परिजनों को सूचना मिली कि सतीश की लाश संसाली खड्ड में 200 मीटर नीचे मिली है, लोगों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। लोगों ने सड़क जाम कर दी। उपस्थित लोगों ने बैजनाथ पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वैजनाथ उपमंडल के गांव संसाल में गांव के एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक युवक की पहचान सतीश पुत्र दौलत राम आयु 28 साल के रूप में हुई है। सतीश वैजनाथ के एक निजी स्कूल में पढ़ाता था और साथ ही अन्य दोस्तों के साथ पपरोला में एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने गया था। रात को उसके दोस्तों ने उसे उसके घर के पास पहुंचाया। पुलिस को दिए बयान में दोस्तों ने बताया कि वे उसे रात को उसके घर संसार तक छोड़ने आए थे, लेकिन उसने उनको बीच रास्ते में ही उतारने को कहा, जिसके बाद उसके दोस्त उसे वहीं उतारकर वापस चले गए। उधर सुबह जैसे ही ग्रामीणों और उसके परिजनों को सूचना मिली कि सतीश की लाश संसाली खड्ड में 200 मीटर नीचे मिली है, लोगों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। लोगों ने सड़क जाम कर दी। उपस्थित लोगों ने बैजनाथ पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने आरोप लगाए कि पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लोगों की भारी भीड़ को देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। बैजनाथ के डीएसपी की कोर्ट एविडेंस होने के कारण डीएसपी पालमपुर अमित शर्मा, एचएसओ पालमपुर भूपेंद्र के साथ अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बैजनाथ के तहसीलदार पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस जिस गाड़ी में मृतक के साथ रात को गए, जिन दो अन्य लड़कों को बिठाया था, लोगों ने उस पुलिस गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दी। उधर मौके पर एएसपी दिनेश शर्मा, डीएसपी पालमपुर व डीएसपी बैजनाथ पूरन ठुकराल के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पूरन ठुकराल ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। वो पुलिस गहनता से छानबीन में जुटी है। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा के लिए भेज दिया है। उन्होंने परिजनों तथा ग्रामीणों को भरोसा दिलवाया है कि इस केस को लेकर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। उन्होंने मृतक के साथ दोनों युवकों को 302 के तहत हिरासत में ले लिया है।